Sivaramas sound wave ka numerical 26. Two audio speakers are kept some distance apart and are driven by same amplifier system. A person is sitting at a place 6 meter from one of the speaker and 6.4 meter from the other. If the sound signal is continuously varied from 500 Hz to 5000 Hz, what are the frequencies for which there is a destructive interference at the place of listener? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल में 26 न्यूमेरिकल में यहाँ पे हमें दो स्पीकर्स दिए हैं और सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से। इस तरह से सेपरेटेड है कि यहाँ पे जो पर्सन सुन रहा है साउंड वो एक स्पीकर से 6 मीटर और दूसरे स्पीकर से 6.4 मीटर दूरी पर है। और यहाँ पे जो साउंड आने वाला है वो सेम एम्पलीफायर से आने वाला है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो साउंड ट्रैवल होने वाला ही है वो दोनों इन फेज हो गए, मतलब एक जगह पे क्रस्ट होता है दूसरे जगह पे भी क्रस्ट होता है, तब हम बोलते हैं कि इन फेज है। अब इस केस में और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वेरी करने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज वेरी करना है। और ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसीज होगी कि जिस फ्रीक्वेंसी के टाइम पर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब यहाँ पे साउंड जाने वाला है यहाँ पे साउंड जाने वाला है तो दो वेव जो होगी तो जब क्रस्ट मिलते हैं मतलब आउट ऑफ फेज होता है। आउट ऑफ फेज का मतलब दोनों में फेज डिफरेंस जो होता है फाई, वो एक तो पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए या इस तरह से, और मल्टीपल ऑफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई भी 2n+1 पाई होगा तो यहाँ पे फेज डिफरेंस और मल्टीपल ऑफ पाए होगा और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जैसे कि एन की वैल्यू कोई भी 0 से आगे पुट कर सकते हैं। अब कोई भी एक वेव जो होती है यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस है, यहाँ पे हमें पाथ का डिफरेंस दिया है, ये 6 मीटर और ये 6.4 मीटर, मतलब पाथ का डिफरेंस दिया है। मतलब सपोज ए पॉइंट जो ओरिजिन होता है और यहाँ का पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे लैम्ब्डा पाथ डिफरेंस है। तो उस लैम्ब्डा पाथ डिफरेंस के लिए ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई तो 2 पाई फेज डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से कोई भी दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस एक्स होगा तो फेज डिफरेंस सपोज 5 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी पाथ डिफरेंस का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये 5 और लैम्ब्डा मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इस तरह से कोई भी पाथ डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का एक रिलेशन है। अब हमें ये इस न्यूमेरिकल में जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाइंड करना है उसके लिए पाथ डिफरेंस इस तरह से चूज करना है। किस तरह से, तो यहाँ पे दिया है 5 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होना चाहिए, ये और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, मतलब ये एक्स कितना आएगा लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई और फाई की वैल्यू लिखेंगे हम 2n+1 पाई। तो इस पाथ डिफरेंस पर हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। अब लैम्ब्डा दिया है लेकिन हमें लैम्ब्डा के टर्म में नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है। तो वी इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा से हम लैम्ब्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं वी अपॉन एन। तो ये जो एक्स है इस एक्स को लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो लैम्ब्डा की जगह पे वी अपॉन एन लिख देंगे। तो ए 2n+1 × π और लैम्ब्डा के और डिवाइड बाई 2 पाई, ये पाई कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे रहेगा 2 और ए लैम्ब्डा इन 2, तो लैम्ब्डा की जगह पे लिखेंगे v अपॉन n फ्रीक्वेंसी। अब हमें ए फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू लिखते हैं, n इज इक्वल टू ए यहाँ पे चला जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2n+1 × v डिवाइडेड बाई 2 और x यहाँ पे आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ए एन नंबर होगा और ए एन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए म्यू लिख देते, ये वी की वैल्यू रख देते, तो वी कितना है वेलोसिटी 320 जो कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगी, ये 2n+1 वी की वैल्यू 320 और ये डिवाइडेड बाय 2 और एक्स कितना है, ये पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है इस वेव में और यहाँ से जाने वाले वेव में 6 और 6.4, मतलब 0.4 पाथ डिफरेंस कितना है 0.4 मीटर। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये
टू, 16 जा 32, और ये डेसिमल निकाल दे ताकि यहाँ पे ये आएगा, और ये 4 जा, मतलब ये 2n+1 और यहाँ पे 400। तो ये फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होगी, इसकी वैल्यू ये सिर्फ n पर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, तो जैसे कि n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये 0, तो ये 1 रहेगा, तो म्यू की वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी 400 हर्ट्स। लेकिन हमने यहाँ पे 500 हर्ट्स से इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, तो ये 500 मतलब ये फ्रीक्वेंसी रेंज में है ही नहीं, इस 500 टू 5000 इस रेंज में है ही नहीं, तो यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी का कुछ यूज नहीं है। दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, n इज इक्वल टू 1 पुट करते यहाँ पे, तो 2 × 1 होगा 2 + 1 3, 3 × 4 होगा 1200। तो ये आ रही है 12 हर्ट्स, ये आ रही है इस रेंज में। दूसरा n इज इक्वल टू अगर 3 पुट कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 3 × 6 और ये 7, 7 × 4 = 2800। तो ये फ्रीक्वेंसी भी इस रेंज में आ जाएगी। n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 4 × 8 + 1 = 9, 9 × 4 = 36। तो ये भी इस रेंज में आ रही है। n की वैल्यू अगर 5 पुट कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 5 × 10 और ये 11 × 4 = 4400। तो ये भी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ जाएगी। n की वैल्यू अगर 6 पुट कर देते हैं तो 6 × 12 + 1 = 13 और 13 × 4 = 52। और ये हमें 5000 तक ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की रेंज आएगी, यहाँ पे फाइंड फ्रीक्वेंसीज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी, तो ये फ्रीक्वेंसीज 1200 हर्ट्स, 2800 हर्ट्स, 3600 हर्ट्स, 4400 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसीज होगी जो यहाँ पे वैरी कर रहे हैं हम। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा।